हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें गेट, सेल्फी पॉइंट और ओपन गैलरी जो होता है, बीम का जो बनता है ओपन गैलरी ओनली फॉर पिलर का, स्क्वायर पिलर में जो बनता है उसी पर वीडियो है। इसमें स्टेज फिशेज नहीं है, ओनली फॉर गेट और ओपन गैलरी। तो गेट का साइज आप समझ लीजिए कि 10 फीट का बीम है और उसके ऊपर से 12 फीट का बीम चढ़ा दिया गया है। दोनों साइड से जो आप देख रहे हैं वो सी लगा हुआ है, हाफ हाफ सी। 9-9 फीट का जो दो पार्ट में सी बनता है, वही 9-9 फीट का एक पार्ट इस साइड से एक पार्ट इस साइड से उसको लगा करके उसमें गार्डन करके और टोटल में प्रिंटेड कपड़ा लगा दिया गया है। और हरा हरा जो देख रहे हैं, जो सी में जो लगा हुआ है हरा हरा, वो ग्रास आता है 1x1.5 का ग्रास लगा हुआ है, 1x1.5 का ग्रास। और गेट में भी पूरा प्रिंटेड कपड़ा है, और फेस्टिंग कपड़ा जो मारा गया है वो पानी कपड़ा है। देख लीजिए, यही होता है ओपन गैलरी। जगह के हिसाब से आप अपना चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ 10 फीट का जगह है मान के चलिए, तो 10 फीट में इसमें लगाया गया है, 8 फीट का बीम है उसके ऊपर से 10 फीट का बीम चढ़ा दिया गया है। अगर आपके पास 8 फीट का ही जगह है तो 8x8 बनाइए, अगर आपके पास 12 फीट का जगह है तो 12x8 बनाइए। इसका जो खराई होगा वो 8 फीट रहता है मैक्सिमम, खड़ा जो जिस पिलर पे कीजिएगा वो 8 फीट पे कीजिएगा, मैक्सिमम 8 फीट रहता है। आप 10 फीट भी कर सकते हैं, 9 फीट भी कर सकते हैं, लेकिन 8 फीट पे ही बनता है। और लंबाई जिसका जो चौड़ाई इसका जो हो, रोड का चौड़ाई जहाँ पर आप गली का काम कीजिएगा उस चौड़ाई जो हो उसके हिसाब से अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। 8 फीट हो तो 8 फीट, 10 फीट हो तो 10 फीट, 12 फीट हो तो 12 फीट, इसी हिसाब से ओपन गली बनता है। कपड़ा मारने का डिज़ाइन देख लीजिए, एक साइड से कपड़ा खींचा गया है पानी, फिर दूसरे साइड से देखिए, दूसरा साइड से इस साइड से पानी कपड़ा खींचा गया है। तो जैसे जैसे गैलरी आपका बढ़ता जाएगा उसे उसे कपड़ा का डिजाइनिंग चेंज होता जाएगा। पहले एक साइड रहेगा, दूसरे साइड दूसरा गैलरी में उस साइड से लग जाएगा कपड़ा। इसमें भी ग्रास तरास और पंखा तंखा जो आता है आर्टिफिशियल, वही सब लगा हुआ है। घोड़ा पत्ता का काम है, लटकन फटकन ये सब लीची पत्ता का काम है। और तीन पत्तियाँ लटकन जो बोलते हैं वही तीन पत्ती लटकन है। ये होगा 4x4 का, जैसे 4x4 का गेट हुआ, ये 8x10 या 8x12 जो हो, इसे भी 4x4 अगर बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से जगह के हिसाब से देखिए। यहाँ जितना जगह था उतना ही जगह इसमें बनाया गया है, आप जगह के हिसाब से देख लीजिए। मैं आपको सिर्फ डिज़ाइन दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आप गैलरी या 4x4 पिलर का काम कर सकते हैं। ये 9 फीट का सी लगा हुआ है सामने में देख लीजिए, और उसके बैक साइड में जो है सेल्फी पॉइंट बना दिया गया है गणेश जी का, जिसमें टोटल जैसे कि मैंने आपको कहा था कि टोटल जो मिस्टेरियम जो आता है लटकन, तीन पत्ती लटकन जो आता है, जो 12 पीस का 500 रुपये आपको पड़ेगा। दरभंगा का रेट हुआ, ये दरभंगा का रेट है 12 पीस में, 12 पीस का 500 रुपया। तो लटकन का बहुत अच्छा यूज होता है यहाँ दरभंगा में, बहुत अच्छा यूज है। स्टेज, गेट, गैलरी और देखने में ही बड़ा खूबसूरत लगता है। अगर आप ये लगा देते हैं तो देखने में बहुत ही खूबसूरत आपको लगेगा। देख लीजिए, ये सेल्फी पॉइंट हुआ है जिसमें गणेश जी है। नीचे से जो आप देख ही रहे हैं, ये गेट का तो फोटो मैंने आपको देख बता ही दिया था। गेट में 12 फीट का बीम है और 10 फीट का बीम पे खड़ा कर दिया है, दोनों साइड से 9-9 फीट का सी लगा दिया गया है। ये 10x7 का स्टेज हुआ है, सिंपल स्टेज है 10x7 का, एकदम सिंपल स्टेज है ये। ये गेट हुआ, गेट का भी मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। ये स्टेज है, ये स्टेज का भी मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ मेरे चैनल पे जा करके आप देख सकते हैं कि इस तरह से कैसे डेकोरेशन इसमें किया जाता है, कितना में कितना का क्या लगा हुआ है। ये भी देख लीजिए, एक तरह से सेल्फी पॉइंट हुआ ये भी ग्रास लगा हुआ है, इसमें 8x4 का जो ग्रास लाता है उसमें कार्नेशन लगा दिया गया है।